हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं जी? सब लोगों के ठीक ठाक हैं? और कैसी तबीयतें हैं, कैसा मौसम है, कैसे मिजाज है? ठीक ठाक हैं सब लोग? वालेकुम असलम। कल क्या पढ़ रहे थे? कल का कुछ बताएं मुझे। सीएसएस जो है कितनी प्रैक्टिस की है और क्या क्या काम कर लिया? सर आज बहुत सारे लोग एब्सेंट होने हैं, उसके रीज़न ये है कि मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद हो चुकी है आज। हाँ जी, ऐसा ही है और मेरा ख्याल है कि आज मसला होगा। चलें, आज का लेक्चर जो भी है इंशाल्लाह कल को भी उसको, या जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जहाँ पे सब लोग प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे हम इसको रिपीट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। कल क्या पढ़ा था? कल की तरफ आए जरा, लेक्चर की तरफ। कल सीएसएस में हमने कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। उससे पहले हम एक दिन पहले इनलाइन सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस और इंटरनल सीएसएस के बारे में पढ़ रहे थे कि हमने तरीके देखे थे कि कौन कौन से तरीके हैं जिनके जरिए हम सीएसएस इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर। और कल का जो दिन था उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कि सीएसएस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और उनकी क्या क्या वैल्यूज जो हैं वो हम रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उनको जो है वो वन बाय वन हम, थोड़ा सा मैं पूछूंगा, आप लोगों ने उसको बताना है और उन चीज़ों को डिस्क्राइब करना है ताकि हम, हमें थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि स्पैन और डिव में क्या फर्क होता है। स्पैन और डिव जो है वो होते क्या है और क्यों यूज होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है? आज हम इंशाल्लाह वर्डप्रेस की तरफ जाएंगे और वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देखेंगे आज कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कैसी होती है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि फाइवर के ऊपर हम वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की जो सर्विस है वो कैसे दे सकते हैं, क्या हम गिग लगा सकते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की या नहीं, और कैसे हम लोगों को वर्डप्रेस इंस्टॉल करके जो है वो फाइवर के ऊपर डॉलर्स कमा सकते हैं। डिव विद अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड डिव ब्लॉक है और स्पैन इन लाइन। अच्छा जी, स्पैन इन लाइन है, डिव ब्लॉक लेवल टैग है। अच्छा जी, और यूज क्यों करते हैं हम इनको? ठीक है, गुड। अच्छा, इसको भी हम जो है वो डिस्प्ले ब्लॉक या डिस्प्ले इनलाइन करके इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। इनकी जो ब्लॉक लेवल बिहेवियर है और इनलाइन बिहेवियर है इसको भी चेंज किया जा सकता है।
ठीक है, गुड। अच्छा चले, मुझे अब ये बताएं कि हमने आईडी क्यों यूज की थी। वाई वी असाइन आईडीज टू सम एलिमेंट्स, और यूजेज क्या है, आईडी का यूजेज क्या है, उसकी मदद से हम क्या काम कर सकते हैं। हाँ, ये शाहजेब ने एक आंसर दिया, वो कह रहे हैं डिवर्स पैन में हम कलेक्शन ऑफ टैग्स रख सकते हैं और स्टाइलिंग भी दे सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है, अब आईडीज की तरफ आ जाएं कि आईडीज क्या होती हैं और हम आईडीज को क्यों यूज करते हैं। ठीक है, गुड। जीशान कह रहे हैं टू कॉल एनीथिंग, ठीक है, गुड। टू कॉल एनी एलिमेंट ऑफ एचटीएमएल, आप इस तरह इसको जरा कर लो तो ज्यादा बेटर है। टू इंप्लीमेंट सम प्रॉपर्टी, टू एक्सेस अ स्पेसिफिक टैग और सीएसएस टैग। हाँ, ये अर्सल ने अच्छा जवाब दिया है, क्लास और आईडी का नहीं पता। आईडी और क्लासेस आज इंशाल्लाह मैं क्लियर कर देता हूँ वर्डप्रेस की तरफ जाने से पहले। क्लासेस और आईडीज का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम आज देख लेते हैं। कॉल करने के लिए यूज होती है आईडी, द यूनिक एलिमेंट, गुड। आईडी यूज फॉर एक्सटर्नल स्टाइलिंग ऑफ स्पेसिफिक टैग, वेरी गुड, बिकॉज हमने अगर किसी स्पेसिफिक टैग पे प्रॉपर्टी लगानी हो तो आईडी यूज करते हैं। ठीक है जी, गुड। टू स्पेसिफाई द प्रॉपर्टीज, आईडी से स्पेसिफिक लाइन कॉल कर सकते हैं। चलिए जी, बेहतरीन। अच्छा जी, अब आ जाए जरा, आईडी का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को क्लियर है, अब हम चलते हैं क्लासेस की तरफ। मैं यहाँ पे, हम जो कल दो फाइल्स जिनके अंदर कोड कर रहे थे, एक थी हेल्थ डॉट एच टी एम एल और उसके साथ ये स्टाइल डॉट सी एस एस थी। एक चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आईडी को हम हैश के सिंबल से कॉल कॉल करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बॉडी के सेक्शन के अंदर आके, ये जो हमारी वीडियो लगी है इस वीडियो के बिल्कुल नीचे, आई लव पाकिस्तान से ऊपर, यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, उस डिव के अंदर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक टैग यूज करता हूँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट, अब आप लोगों को पता है कि क्या होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं कुछ लिस्ट आइटम्स क्रिएट करता हूँ, लाइक 6 लिस्ट आइटम्स क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एक में मैं लिख देता हूँ जी पाकिस्तान, एक में मैं लिख देता हूँ पंजाब, एक में मैंने लिख दिया इंडिया, एक में मैंने लिख दिया सिंध, एक में मैंने लिख दिया जी चाइना, और एक में लिख दिया मैंने केपी के। ठीक है, पर आपकी स्क्रीन सही से शो नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही भाई? आपके अपने इंटरनेट में देखो कोई मसला होगा, मुझे तो ठीक शो हो रही है, बिल्कुल बेहतरीन है। अच्छा, इसकी वजह से जो आउटपुट आई हमारे पास वो कुछ ऐसी आउटपुट आई कि पाकिस्तान, पंजाब, इंडिया, सिंध, चाइना और केपी के जो हैं वो हमारे जो सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स हैं वो बन गए। अब मैं ये चाहता हूं कि जितने कंट्रीज के नेम हैं, ये पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, ठीक है, इनके इनका जो कलर है वो अलग अलग हो जाए। तो आईडी के जरिए मैं क्या करना था, मैंने कि इसको मैंने आईडी इज इक्वल टू 1 करना था, या इसको मैं LI1 कहता, ठीक है, फिर मैं इंडिया को जो है वो LI2 कहता या कंट्री 2 कहता। 3 आईडीज असाइन करनी पड़ती मुझे, 1, 2 एंड 3, और उन तीनों को मैं यहाँ पे अलग अलग कॉल करके, पहले पाकिस्तान वाली आईडी को कॉल करता, उसका कलर मैं ग्रीन कर देता, इंडिया को कॉल करता उसका कलर अलग से ग्रीन करता, फिर चाइना का कलर अलग से ग्रीन करता। मैं ये चाहता हूँ कि जो कंट्रीज हैं उनके कलर जो है वो ग्रीन हो जाए, जो प्रोविंसेस हैं, जो सूबे हैं, उनके जो कलर्स हैं वो रेड हो जाए। तो आईडी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आगे थोड़ा सा फेल हो जाता है। फेल होने का मतलब ये है कि हम हर एक एलिमेंट को अलग अलग जाके आईडीज जो है वो लगाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी सीएसएस की जो फाइल है इसके अंदर हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, डॉट से उस क्लास को क्रिएट करेंगे या कॉल करेंगे, आप इस तरह कह सकते हैं,
आईडी को हैश से और क्लास को हमने जो है वो डॉट से कॉल करना है। उसका अपनी मर्जी से कोई नाम रख लेते हैं। लेट सपोज मैंने उसका नाम कंट्री रख लिया, सेम वही ब्रैकेट्स लगाई, अंदर आया उसके, और उसका मैंने कलर जो है वो कर दिया ग्रीन। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक क्लास बन गई है और इस क्लास को मैं मल्टीपल एलिमेंट्स को असाइन कर सकता हूँ। जैसे ये वाला एलिमेंट है, मैं इसके टैग के अंदर जाता हूँ, मैं लिखता हूँ क्लास इज इक्वल टू कंट्री। ठीक है, ये जो इंडिया है इसको भी सेम क्लास लगानी है, तो इसको भी मैंने क्लास इज इक्वल टू कंट्री लगा दी। फिर चाइना में गया तो चाइना के अंदर भी क्लास इज इक्वल टू कंट्री लगा। अब इसका फायदा ये हुआ कि मैंने क्लास एक ही दफा बनाई और उसी क्लास को मैंने मल्टीपल एलिमेंट्स को असाइन कर दिया। अब क्या करता हूं, अब मैं एक एक और क्लास बना लेता हूं, उसको मैंने प्रोविंस का नाम दे दिया। ठीक है, प्रोविंस का नाम दिया जब, तो उसका जो कलर था मैंने कर दिया, अल्लाह तुहाडा भला करे, ब्लू। ठीक है, जब ब्लू उसका कलर किया तो इस ये जो प्रोविंस की क्लास है मैं इसको असाइन कर देता हूं पंजाब को। क्लास इज इक्वल टू प्रोविंस। ठीक है, सिंध में आए तो क्लास इज इक्वल टू प्रोविंस। इसी तरह केपीके में गए तो क्लास इज इक्वल टू प्रोविंस। नहीं, यहां तक बात समझ में आ गई। इसको मैंने आके सेव किया और रिफ्रेश किया। नहीं हुआ इम्प्लीमेंट, क्या मसला आ रहा है चेक करें। ये हेल्थ डॉट एच टी एम एल ही खोल लिया ना हमने, स्पेलिंग ठीक है, CUNTRY, CUNTRY। आर्टिकल और हेल्थ डॉट एच टी एम एल, एक मिनट चेक कर लें कि हमने फाइल जो है एग्जैक्टली वही खोली है ना, इसी के अंदर कोड किया है। डिव की ब्रैकेट क्लोज नहीं की हुई है। ओके ओके ओके, ये देखो लेकिन मसाला कोई और है। ये डिव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ये यूएल है और ये यूएल का टैग एंड कर दिया, ये एल आई सारे शुरू हो गए। ठीक है, और क्लास इज इक्वल टू कंट्री प्रोविंस कंट्री प्रोविंस कंट्री प्रोविंस। जैम्प नहीं चलाया, जैम्प चल रहा है बेटा, जैम्प चल रहा है तो यहाँ पे ये फाइल खुल रही है, जैम्प के बगैर नहीं खुलती। हाँ ये जैम्प चल रहा है, देख लेते हैं इसको। अच्छा, ये जो एरर्स हैं इस तरह के, इनको फिक्स करना जो है ये भी एक इंडस्ट्री है पूरी बहुत बड़ी, जिसको हम बग फिक्सिंग इंडस्ट्री का नाम देते हैं। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन इधर नहीं लगाने की जरूरत, सेमी कॉलन इधर नहीं लगेगा, इधर लगता होता है प्रॉपर्टी के एंड पे जहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाते हैं। ठीक है, अगर इसको हम डायरेक्टली इसका कलर जो है एलआई का टैग क्लोज्ड है, कलर इज रेड, या हम स्टाइल में जाके इसके इसका कलर जो है वो रेड करते हैं। अगर अब रेड हुआ है, इसकी लिंकिंग में कोई मसला तो नहीं है, स्टाइल डॉट सी एस एस और ये स्टाइल नहीं। ठीक है, वो तरीका सेम ही है आई थिंक, सो कोई सर्वर के अंदर कोई मसला है, तरीका यही है। ठीक है, जिन लोगों का इम्प्लीमेंट हो गया वेरी गुड।
आई वॉन्ट टू नो वट अबाउट दो स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू अटेंड क्लासेस बिकॉज ऑफ नो सेलुलर ट्रांसमिशन. उनके लिए ये जो है अपना आज का लेक्चर जो है, अगर मसला करेगा उन लोगों को जो आज एबसेंट हैं, तो मैं दोबारा से उनको ये चीज़ें पढ़ा दूंगा. तरीका यही है, सेम है, ठीक है. आप लोगों को बता दिया है, मेरे पास कोई इशू आ रहा है, आई थिंक सो. इसको नीचे कहीं इंप्लीमेंट करके देखता हूँ, या किसी और फाइल में रख के चेक कर लेते हैं, शायद फाइल के अंदर कोई एरर ना हो. हाँ जी सैरिश, मल्टीपल टैग्स को असाइन तो कर सकते हैं, लेकिन जब आपने उनको कॉल करना होता है ना, तो फिर वो बड़ा लंबा पंगा हो जाता है. पंगा इसलिए आज होता है कि आप जो है वो हर एक आईडी को जाके देन उसकी अलग प्रॉपर्टीज असाइन कर रहे होंगे. ठीक है, पहले दोबारा से इसको करते हैं, जरा एक दफा चेक करने के लिए हम यहाँ पे कुछ यूएल क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर कोई लिस्ट आइटम्स क्रिएट करते हैं. ठीक, लिस्ट आइटम्स के अंदर अब हम फ्रूट्स नेम लिखते हैं, एप्पल. ठीक है, और वेजिटेबल कौन कौन सी होती है? वेजिटेबल्स के नाम नहीं आते मुझे, वेजिटेबल्स के नाम बताओ भाई. अनियन, और क्या होता है? मैंगोस. अच्छा, फिर उसके बाद फिर ठीक है, और कौन कौन सी हैं जी हमारे पास सब्जियां? कैरेट, ठीक है, और लेडी फिंगर बताया जी उमर ने. एप्पल में फ्रूट्स में हम मैंगोज लिख दिया और पीच लिख दिया. अच्छा, ये कुछ हमने चीज़ें लिख ली यहाँ पे और इनको एज इट इज इम्प्लीमेंट कर लिया. इनके लिए अब हम और क्लासेस, अगर हम इन्हीं क्लासेस के नाम चेंज कर देते हैं, इसको मैं फ्रूट कह देता हूँ और इसको मैं आके जो है अपनी ये जो HTML है इसके अंदर मैं लिस्ट आइटम के अंदर जाके एक क्लास असाइन करता हूँ फ्रूट की. फ्रूट था कि फ्रूट्स था? ठीक है, डॉट फ्रूट से हमने उसको कॉल किया और उसको एप्पल का जो है वो कलर ग्रीन कर दिया. रिफ्रेश करते हैं. एक नई फाइल बना रहा हूँ मैं, उसको सेव कर रहे हैं हम एक नए फोल्डर के अंदर. इसका नाम रख रहे हैं हम क्लास डॉट PHP, सॉरी क्लास इसका फोल्डर का नाम है. फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, न्यू फोल्डर क्लासेस, या क्लास ही रख लें इसको, क्या मसला है? देयर इज ऑलरेडी अ फाइल. ओके, ठीक क्लास का फोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर हमने उसका जो नाम है वो रख लिया क्लासेस डॉट HTML. ठीक है, एक नई फाइल क्रिएट की, सेव किया उसको भी स्टाइल डॉट CSS के नाम से. अच्छा जी, इस स्टाइल डॉट CSS को हमने यहाँ पे जो है वो लिंक करना है. लिंक किया स्टाइल
डॉट सी एस एस बॉडी में आए, बॉडी के अंदर हमने यू एल का टैग स्टार्ट किया, एल आई क्रिएट की, एंड एल आई इज पाकिस्तान। नीचे कुछ और एल आईज क्रिएट कर लें, जिसमें हमने सिंध, इंडिया, बलूचिस्तान और फिर उसके बाद चाइना, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं के पी के। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक क्लास बना रहे हैं डॉट कंट्री की, सी ओ यू एन टी आर वाई, और इसको हमने जो है इसका जो कलर है वो कर दिया ग्रीन। लिस्ट आइटम के अंदर आए और लिस्ट आइटम को हमने क्लास दी और क्लास का नाम रखा जी एंट्री। और यहाँ पे हम उसको कॉल कर लेते हैं क्लास स्लैश क्लासेस डॉट एच टी एम एल। ठीक है जी, वो कोई फाइल के अंदर कुछ मसला आ रहा था। अब ये देखें यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू कंट्री, मैं इसको भी असाइन करता हूँ, इंडिया को भी असाइन करता हूँ और चाइना को भी असाइन करता हूँ। तो जितने कंट्रीज हैं वो अब ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है, ये ग्रीन हुए नजर आ गए अब आप लोगों को। ठीक है, फिर उसके अंदर हमने ये जो एक और क्लास क्रिएट करनी है उस क्लास का नाम हमने रख देना है डॉट प्रूविंस। और प्रूविंस का जो कलर है वो हमने कर देना है ब्लू। मैंने आप लोगों को एक एक्सटेंशन बताई थी, शायद किसी को याद हो, कलर कोड जो है वो फेच करने के लिए कहीं से। ठीक है, तो उसका क्या नाम था अगर किसी को याद है, कलर्स के लिए कौन सी एक्सटेंशन बताई थी? तो इसी को मैं कॉपी करता हूं, यहां पे भी पेस्ट कर लेते हैं और यहां पे भी, इनको प्रोविंस की क्लास लगा दी तो इनका जो कलर है आप देखें वो ब्लू हो चुका है। यहां तक किसी को कोई मसला कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता दें। क्लासेस का समझ आ गया, कलर दिला, ठीक है जी, गुड। तो उस कलर दिला की एक्सटेंशन से भी आप इसको कलर दे सकते हैं, बजाय इसके कि आप लोग यहाँ पे कलर का नाम लिखें कि ग्रीन है, ब्लू है, पाउडर्ड ब्लू है, जैसा भी उसका नाम है। क्योंकि ग्रीन है तो अब आप डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, ठीक है, इसके अंदर आप लोग डिफरेंस जो है वो नहीं कर सकते उसका नाम लेके। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि उसका जो कलर कोड है वो लिखना पड़ता है। तो कलर कोड अगर लिख लेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा और आप हर किस्म के कलर्स यूज कर सकते हैं स्टाइलिंग करते हुए अपने इस जो डॉक्यूमेंट है उसकी। ले जी, क्लासेस और आईडीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब चलते हैं हम जरा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की तरफ। इजाजत है जी वर्डप्रेस की तरफ चलें। अब यहाँ पे सबसे पहले तो वर्डप्रेस के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि वर्डप्रेस होता क्या है और क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो बेटा वर्डप्रेस है एक सीएमएस, एंड सीएमएस स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, पहले तो कंटेंट को समझने की जरूरत है कि कंटेंट क्या होता है। ठीक है, कंटेंट के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, आपकी आपका जो है वो टेक्स्ट आ जाएगा, आपके इमेजेस आ जाएंगे, आपकी वीडियोस आ जाएंगी, आपके लिंक्स आ जाएंगे, एंड ईच एंड एवरी, आपकी पीडीएफ मीडिया जो है वो सारे का सारा जो है वो आ जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो उस कंटेंट को हमने मैनेज करना है। किस तरह मैनेज करना है, हमारे पास एक वर्डप्रेस के नाम का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो बहुत आसानी कर देता है हमारे लिए वेबसाइट्स बनाने में, और बगैर कोड किए वर्डप्रेस के अंदर हम लोग वेबसाइट्स बना सकते हैं। और जो लोग बिल्कुल नॉन टेक्निकल हैं, जिनको पता नहीं था कि एचटीएमएल क्या होती है, सीएसएस क्या होती है, अगर
आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आ जाए वर्डप्रेस में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, और उसके अंदर भी हम HTML का और CSS का इस्तेमाल करेंगे। सर हॉवर का बता दें एक बार प्लीज़। हॉवर का भी यार कल हमने डिस्कस किया था, मैं दोबारा से एक दफ़ा चलें, अब आइए फरमाइश तो मैं बता देता हूँ। हॉवर का मतलब ये होता है यहाँ पे हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, ये देखें ये स्कॉलरशिप के ऊपर लिंक लगा हुआ है, मैं जब इसके ऊपर ये जो कलर है सॉरी जो कर्सर है वो लेके जाता हूँ इसके ऊपर, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ इसका मतलब मैं इसके ऊपर हॉवर कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने प्रॉपर्टी लगाई है कि इस एंकर टेक्स्ट को जब हॉवर किया जाए तो इसका कलर ग्रीन हो जाए। वैसे इसका कलर पिंक है लेकिन जब हम इसके ऊपर हॉवर करें तो इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाए। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को कल एक फाइल भी दे दी थी गिटहब के ऊपर अपलोड करके, और उसके अंदर ये प्रॉपर्टी भी इसकी लगी हुई है। ठीक है जी, वर्डप्रेस पे आए जरा आप। तो वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर जाके हमने अपने टेक्स्ट को, अपनी जो कंटेंट है, इमेजेस हैं, आपकी जो वीडियोस हैं, ये सारी की सारी हमने वहां पे जाके मैनेज करनी है, और पूरे का पूरा लेआउट बनाना है वेबसाइट का, जिसके अंदर आपके स्लाइडर्स आ जाएंगे, जिसके अंदर आपकी गैलरीज आ जाएंगी, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेक्शंस आ जाएंगे। तो मतलब ये है कि आप लोगों ने पूरी की पूरी जो वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट है वो हमने यहाँ पे हमने बात करनी है उसकी। अच्छा जी, अब ये इंजीनियर अली गौहर साहब जो हैं वो पूछ रहे हैं कि HTML और CSS लगती सेम ही है, मेन डिफरेंस क्या है? बेटा ये तकरीबन 36 दफा क्लास में डिस्कस हो चुका है, पता नहीं आप कहाँ होते हो उस वक्त और शायद सुन नहीं रहे होते। मैं फिर थोड़ा सा हार्श हो जाऊंगा तो आप लोग फिर कहोगे कि सर आप जो है वो जवाब नहीं देते ठीक से। तो बेटा ये काफी दफा चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। HTML में मैंने हजारों दफा बताया है कि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, अपनी वेबसाइट का जो मेन स्ट्रक्चर है वो HTML में बनता है, CSS में हम उसकी डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, और आगे से वो आप कह रहे हो कि फाइल नहीं दी, तो बेटा ग्रुप को थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना तो मैं कल की फाइल जो है वो अपलोड कर चुका हूँ गिटहब के ऊपर, उसके ऊपर मैंने लिंक दे दिया है सारी की सारी, जितनी भी मैंने जो कोड किया था क्लास में वो आप लोगों को दे दिया है, मैंने प्रोवाइड कर दिया है। पता नहीं एक दफा समझ क्यों नहीं आती मुझे, ये इसी बात से चिढ़ है कि आप लोगों को जब लेक्चर एक दे दिया गया है तो उसके ऊपर आप लोग फोकस नहीं करते, और दोबारा आके फिर जब पिछली बातें पूछते हो और मेरा अगला लेक्चर डिस्टर्ब होता है, तो इस बात से मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ होती है। पिछले लेक्चर्स में सोए रहते हैं और अगले लेक्चर्स में आके कहते हैं सर HTML और CSS में डिफरेंस क्या होता है। हम वर्डप्रेस पे पहुंच गए हैं, हम मैं बड़ी इतनी मुश्किल से सारे लोगों को उठा के जो है वो 10वीं मंजिल पे लेके आता हूं, तुम टांग खींचते हो फिर दोबारा से ग्राउंड फ्लोर पे ले आते हो। वर्डप्रेस के अंदर कुछ चीजें हैं, अभी मैं इन दो चीजों को डिस्क्राइब कर रहा हूं। वर्डप्रेस एक पूरे का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हमने इंस्टॉल करना है और उसके ऊपर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो हैं वो बनानी है। थीम्स क्या है? वर्डप्रेस के अंदर कुछ बहुत बिल्ट इन जो हैं वो बहुत सारे हजारों थीम्स मिल जाएंगे जो फ्री भी हैं और पेड भी हैं, ठीक है। और फ्री जो थीम्स हैं
अभी फिलहाल हम उनको यूज करेंगे। जितने प्रीमियम थीम्स या पेड थीम्स मेरे पास हैं या आप लोगों को जिनकी जरूरत पड़ेगी और मेरे पास अवेलेबल होंगे वो मैं उनको दे दूंगा, लेकिन ऐसे के बिहेवियर पे फिर मेरा मेरा दिल ही नहीं करता आप लोगों के साथ कोई एसेट या कोई चीज शेयर करने को। थीम्स के अंदर आते हैं तो थीम्स क्या होते हैं, आपकी वेबसाइट का लेआउट होता है, ठीक है। मुझे वर्डप्रेस के बहुत सारे बने बनाए थीम्स जो हैं वो मिल जाएंगे, और मैं क्या करूंगा कि उन थीम्स के अंदर अपनी मर्जी से कस्टमाइजेशन कर लूंगा कि उसका कलर चेंज करना है, उसकी जो है वो पैडिंग डालनी है, मार्जिन डालने हैं, ठीक है, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लगानी है, तो वो सारी की सारी हम उसकी कस्टमाइजेशन बोलेंगे। कस्टमाइजेशन का मतलब ये होता है कि उस थीम के अंदर जितनी भी चेंजिंग हमने करनी होती है वो हमने जो है वो कस्टमाइजेशन के जरिए करनी होती है। प्लगइन्स क्यों यूज होते हैं? प्लगइन यूज होते हैं टू ऐड द फंक्शनैलिटी इन योर वेबसाइट। अच्छा, अब फंक्शनैलिटी कैसी हो सकती है कि आप कहते हो कि मेरी वेबसाइट के ऊपर लोग आए और वो एक फॉर्म फिल करें और उस फॉर्म के अंदर अपना फीडबैक मेरे तक पहुंचाएं। जैसे आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर कॉन्टेक्ट फॉर्म लगा हुआ देखा होगा कि कॉन्टेक्ट फॉर्म कैसा होता है और लोग उसके ऊपर जाके कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास कौन सी वेबसाइट है, अब दिखा देता हूँ। डेपर के ऊपर तो कॉन्टेक्ट नहीं है, सजावट के ऊपर आई डोंट नो है या नहीं। कॉन्टेक्ट अस का पेज बना तो है, पता नहीं इसके ऊपर कोई फॉर्म शॉर्म लगा है या नहीं। ठीक है, फॉर्म नहीं नजर आ रहा भाई, FAQs हैं, लेकिन उसकी उसको मैं आपको अभी आज ही हम जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो मैं आप लोगों को एक कॉन्टेक्ट फॉर्म जो है वो बना के दिखा दूंगा कि किस तरह हम उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्ट फॉर्म का असल मकसद, मैं सिंपल एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि कॉन्टेक्ट फॉर्म का असल मकसद ये होता है कि आप अपने विजिटर्स को कहें कि अगर आपने हमसे कॉन्टेक्ट करना है तो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है, इस फॉर्म को फिल कर दें, इसमें अपना नाम लिखें, अपना जो है ईमेल एड्रेस दें, और साथ ही साथ आप अपना फीडबैक जो भी है वो आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लगइन्स किस लिए यूज होते हैं? आपकी वेबसाइट के अंदर जो फंक्शनैलिटीज हैं उनको एड ऑन करने के लिए प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हैं। थीम्स किस लिए यूज होते हैं? कि आपकी वेबसाइट की लुक एंड फील कैसी है, दिखने में कैसी लगती है, उसका मेन्यू बार कैसा है। मैं अगर आप लोगों को दो तीन वेबसाइट्स की एग्जाम्पल बता दूं कि जी हमारे पास एक डेपर डॉट रिव्यूज है, कटीन डॉट कॉम है, ठीक है, और कौन सी वेबसाइट है जी, क्रैक्स बॉय चल रही है, क्रैक्स किंग है, और कौन सी चल रही थी क्रैक्स वाली मेरी, मुझे उसकी डोमेन ही भूल गई है, क्रैक्स बी डोमेन लगता है एक्सपायर हो गई और मैंने रीन्यू नहीं की। चले देख लेंगे इसको बाद में, अभी फिलहाल इसी से एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं। जैसे अब एक वेबसाइट है, ये क्यूटीन वेबसाइट है, और इसका लेआउट जो है वो कुछ इस तरह का लग रहा है आप लोगों को, ठीक है, कि पोस्ट जो है वो लाइन बाय लाइन लगी हुई है, तीन पोस्टें हैं एक लाइन के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद सजावट पे आते हैं, तो सजावट का लेआउट जो है वो कुछ और तरीके का है। उसके ऊपर क्या है कि सामने आते ही एक स्लाइडर है जिसके ऊपर सोफा लगा हुआ है, उसके ऊपर कुछ राइटिंग की हुई है, ठीक है, सोफा कवर्स का एक बटन है, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स लगी हुई है, ये पोस्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर मतलब टेक्स्ट लिखा गया इनके अंदर, और उन टेक्स्ट की बुनियाद पे लोगों ने आके उनके ऊपर से कोट्स ले लेनी। ये जो है ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की डिफरेंट शक्लें हैं। अब जैसे ये प्रोडक्ट्स ग्रिड के अंदर लगा दी हैं, ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्लाइडर के अंदर लगी हुई हैं कि इनको हम स्लाइड करके आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह नीचे आते हैं तो नीचे आके
कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो है, हर एक वेबसाइट की जो लुक एंड फील है वो अलग है, वो डिफरेंट है, ठीक है। और ये डेपर पे आते हैं तो डेपर की लुक कुछ ऐसी है, ठीक है। इसका जो कलर स्कीम है, इसके जो मेन्यू बार्स हैं, ये डिफरेंट है इन इन लोगों से, कुटीन से डिफरेंट है, कुटीन के ऊपर कुछ और इफेक्ट है, कुछ और कलरिंग है। तो ये आपका थीम डिसाइड करता है कि आपकी वेबसाइट की लुक एंड फील कैसी होगी, और उसके बाद आपकी अपनी कस्टमाइजेशन स्किल्स हैं, डिजाइनिंग स्किल्स हैं, आपकी डिजाइनिंग सेंस अच्छी है, कलर स्कीम अगर आपको पता है कि कौन सी अट्रैक्ट करेगी लोगों को, तो आप आसानी से एक अच्छी और प्यारी वेबसाइट जो है वेबसाइट बना सकते हैं। सर गूगल में सर्च कर, हाँ गूगल, वो असल में मुझे ना, मेरे पास कोई क्रैक्स की ना 20 वेबसाइटें थी, तो अब वो मुझे भूल गया कि वो मैं कौन सी वाली वेबसाइट आप लोगों को, क्रैक्स किंग भी है, क्रैक्स चिंप भी है, क्रैक्स बॉय भी है, क्रैक्स बी भी है, अभी ये मुझे 4-5 याद आ रही, तो वो अभी जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको वो मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल वो यहाँ पे क्लियर हो गया कि हर एक वेबसाइट की जो लुक एंड फील है वो आपका जो थीम है वो डिसाइड करता है। अब ये अगर हम इस वेबसाइट की बात करें सजावट डॉट हाउस की, तो इसके ऊपर मैंने एक एक्सटेंशन किया है जो हमें बता देती है कि हर वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है या नहीं, और अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है तो उसका कौन सा थीम इंस्टॉल्ड है, तो उसने थीम बताया फ्लैट्स हम, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि फ्लैट्स हम जो थीम है कितने डेमोज हैं, उसकी जो प्राइस है वो क्या है, ये $59 के अंदर उसका एक डेमो जो है वो मिल रहा है, और वो इस वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ये फ्री थीम नहीं है, पेड थीम है, आप लोगों के लिए फ्री है, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन तब दूंगा जब आप लोगों को मुझे नजर आएगा कि आप लोग काम कर रहे हैं और क्यूरियसिटी आपके अंदर है, काम करने की लगन है, ठीक है। अगर इसी तरह के ये बेहुदा और फजूल किस्म के सवाल आते रहेंगे ना, तो फिर मैं आप लोगों के साथ अपना कोई एसेट शेयर करने वाला नहीं हूँ, फिर फ्री वाले थीम्स के ऊपर काम करते रहेंगे आप लोग, और अपने क्लाइंट्स को भी फ्री वाले थीम्स के ऊपर काम करके देते रहेंगे, फिर क्लाइंट्स कुछ भी नहीं होंगे। सर इस एक्सटेंशन का नाम क्या, इस एक्सटेंशन का नाम है, मुझे खुद भी नहीं आता, इसका नाम है वट रन्स, ठीक है, वट रन्स गूगल एक्सटेंशन, ये गूगल क्रोम, ये आपको बताती है कि इस वेबसाइट के ऊपर कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो रन कर रही है, और इसके ऊपर ये वर्डप्रेस में बनी है वेबसाइट, या पीएचपी के अंदर बनी है, या फिर जो है ये शॉपिफाई के अंदर बिल्ड की गई है। एक मिनट भाई, मैं एक फोन कॉल ले लूं, यार अब ये कौन लोग हैं, चले अच्छा। बहरहाल तो हम बात कर रहे थे कि थीम्स और प्लगइन्स, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सब लोगों को क्लियर हो गया कि थीम क्या होता है और प्लगइन क्या होता है, इसमें कोई मसला है किसी को तो बता सकते हैं। अब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की तरफ जाना है, तो जरा आंखें फाड़ लें और दिमाग खोल लें, क्योंकि ये चीजें बार बार डिस्क्राइब नहीं होंगी, आप लोगों ने साथ साथ चीजें करनी है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। आज जो लोग नहीं आ सके इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, उनके लिए मैं रिपीट कर दूंगा, कल कल अगर जुमा है, जुमे को, हाँ जी कल इंशाल्लाह यही लेक्चर रिपीट में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे हम करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पहली दफा में आप लोगों की सारी चीजें जो है वो सेटअप हो जाए और आपका वर्डप्रेस जो है कम से कम वो इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, ठीक है, मैं यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के स्टेप्स भी लिखता जाता हूँ साथ में। पहला स्टेप है जी, गो टू वर्डप्रेस डॉट ओआरजी, ठीक है। प्लगइन एक बार फिर बता दें, प्लगइन का काम ये होता है कि हमने जब वेबसाइट के अंदर कोई फंक्शनैलिटी एड ऑन करनी होती है तो हम प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फंक्शनैलिटी किसी भी किस्म की हो सकती है, कोई फॉर्म बनाना है हमने, कोई टेबल क्रिएट करना है,
उसके लिए प्लगइन का इस्तेमाल करेंगे, व्हाट्सएप का बटन लगाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर कि लोग आके हमें व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकें, उसके लिए प्लगइन यूज होगा। तो हर एक डिफरेंट काम करने के लिए हमें प्लगइन्स का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, थीम्स लेआउट होते हैं वेबसाइट का और जो फंक्शनैलिटी है वो प्लगइन्स के जरिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहला स्टेप है जी wordpress.org पे जाना है सब लोगों ने। तो wordpress.org के ऊपर जाते ही यहाँ पे आप लोगों को एक गेट वर्डप्रेस का बटन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से हम वर्डप्रेस का जो सेटअप है उसको डाउनलोड कर लेंगे। ये लें जी, यहाँ से डाउनलोड वर्डप्रेस 5.5। तो ये वर्डप्रेस की डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसको यहां से डाउनलोड कर लिया। तो स्टेप 2 है जी, डाउनलोड वर्डप्रेस जी, डाउनलोड कर लिया। मेक श्योर कि आपका जैम्प चल रहा हो। ठीक है, ये काम अब जैम्प के बगैर नहीं होने वाला। क्योंकि अब इसके पीछे हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी भी करनी है इसकी, तो डेटाबेस कनेक्शन तभी इंप्लीमेंट होगा जब आपका ज़ैम्प या फिर वैन दोनों में से एक प्रॉपरली वर्क कर रहे होंगे। तो अच्छा जी, ये वर्डप्रेस का जो वर्डप्रेस 5.5 अभी तक का जो लेटेस्ट हमारा सेटअप है, इसका वर्जन है वर्डप्रेस का, वो डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, ये जैसे ही फाइल डाउनलोड होती है इसको फिर हम क्या करते हैं वो चेक करना है। साथ साथ करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। आई थिंक सो के इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई, डाउनलोडिंग कंप्लीट नहीं हुई। ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा और देन वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। फिर उसके बाद अगला काम हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम रोजाना आएंगे और उसके ऊपर कस्टमाइजेशन जो है वो नई से नई करते रहेंगे, नई नई वेबसाइट्स उसके ऊपर बनाते रहेंगे और दिनों के अंदर हम इंशाल्लाह ये चीजें सीख जाएंगे। चल भाई चल, इतना टाइम क्यों ले रहा है एंड पे। हाँ जी, ये हो गया जी वर्डप्रेस हमारा डाउनलोड पूरा। अब मैं इसको शो इन फोल्डर यहाँ से करता हूँ और जो भी फाइल ये मेरी डाउनलोड हुई है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करके हमने इसको लेके जाना है सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव में जो भी हमारी, आपको पता है ना कि हमारी जो मेन फाइल होती है जिसको डायरेक्टरी बोलते हैं वो होती है htdocs। इस htdocs की डायरेक्टरी के अंदर हमने इसको पेस्ट कर देना। ये पेस्ट हो गया जी यहाँ पे वर्डप्रेस 5.5। इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, इस तरह का फोल्डर आएगा, इसको मैं एक्सट्रैक्शन इसकी सारी की सारी कर लेता हूँ। अच्छा जी, एक्सट्रैक्शन हो गई। जैसे ही इसकी एक्सट्रैक्शन हो जाएगी तो वर्डप्रेस 5.5 के नाम का एक फोल्डर यहाँ पे मिल जाएगा। मैं बताता हूँ जरा अहमद, आपके सवाल का जवाब बाद में देते हैं। 5.5 के नाम का एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर वर्डप्रेस का ये फोल्डर है। ठीक है, और उसके अंदर ये वर्डप्रेस की जो मेन फाइल्स हैं जो इंस्टॉल हुई हैं। लेकिन हमने जो करना है वो ये करना है कि ये जो वर्डप्रेस का फोल्डर है, ये वर्डप्रेस का फोल्डर ये बाहर आना चाहिए, मतलब htdocs के फौरन बाद वर्डप्रेस का फोल्डर ये वाला आना चाहिए। ठीक है, ये पुराना एक वर्डप्रेस का फोल्डर है, मैं उसको जरा डिलीट कर देता हूँ।
इसको रीनेम भी कर सकते हैं हम। चलें, अच्छा अभी मैंने फिलहाल क्या किया है कि इसके अंदर ये जो फोल्डर था वर्डप्रेस का, इसको मैंने यहां से कट कर लिया और एक स्टेप बाहर ले आया हूं, पीछे ला के यहां पे पेस्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि HT डॉक्स के फौरन बाद अगला जो फोल्डर होगा वो वर्डप्रेस का होगा और वर्डप्रेस के अंदर ये फाइल्स पड़ी होंगी। ये मेक श्योर करना है अब आप लोगों ने, जब एक्सट्रैक्शन करनी है कि HT डॉक्स के फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे वर्डप्रेस का एक फोल्डर आपको मिलेगा और उसके अंदर ये इस तरह की फाइल्स होंगी। वो जो ये फोल्डर था, अब इसके अंदर से हमने वर्डप्रेस को निकाल लिया है तो इसकी जरूरत अब हमें नहीं है, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या फाइल स्ट्रक्चर है जी? दिस पीसी, फिर लोकल डिस्क सी, फिर उसके बाद जैम, जैम के अंदर HT डॉक्स, HT डॉक्स के अंदर वर्डप्रेस का फोल्डर, और उसके बाद ये सारी की सारी फाइल्स आपको यहां पे नजर आनी चाहिए। यहां तक किसी को कोई मसला, कोई कंफ्यूजन है तो बता दे। बता दिया मैंने। यहां तक काम कर लिया जी सब लोगों ने? क्लियर है सबको कि फाइल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? डाउनलोड किया हमने, ये डाउनलोडिंग कर ली, यहाँ पे हमारा वो जो है वो वर्डप्रेस 5.5 डाउनलोड हो गया। इस फाइल को मैंने कॉपी किया और कॉपी करके मैंने दिस पीसी के अंदर गया, सी में गया, जैम्प में गया, HT डॉक्स में गया और यहाँ पे उसको मैंने पेस्ट करके एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, जब एक्सट्रैक्ट कर लिया तो उसके अंदर एक फोल्डर बन गया था वर्डप्रेस का, तो उस वर्डप्रेस के फोल्डर को मैंने एक स्टेप बाहर निकाला है सिर्फ, और HT डॉक्स के बाद फॉरन वर्डप्रेस का फोल्डर है और उसके अंदर ये फाइल्स हैं, बस इतना सा काम करना है। डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा भाई? डाउनलोड तो सिंपल है, बस यहाँ पे आपने wordpress.org पे जाना है, /download बेशक लिख लें, अगर सिंपल wordpress.org भी लिखते हैं तो आपके पास ये गेट वर्डप्रेस का एक फोल्डर आ जाएगा, बटन आ जाएगा। ठीक है, ये गेट वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो डाउनलोडिंग वाले पेज के ऊपर नेविगेट कर देगा जिसके ऊपर ये लिंक होगा डाउनलोड करने का वर्ड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। सिंपल है। अच्छा जी, यहाँ तक काम जो है वो हमारा क्लियर हो गया कि जी हमने उसको यहाँ पे हमारा जो ये सी चीज सही रखनी है बस। इसका नाम आप वर्डप्रेस के अलावा कुछ और भी रख सकते हैं, वो जरूरी नहीं है आपने वर्डप्रेस ही रखना है। इसका नाम चेंज करके आप कुछ और रख लें, इसका नाम सुफियान रख लें, इसका नाम आप अपने नाम पे रख लें, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आपने फिर देन उसको लोकल होस्ट के ऊपर वैसे ही कॉल करना है। अब मैं जाता हूँ लोकल होस्ट पे, तो लोकल होस्ट स्लैश, क्या नाम रखा था जी उस फोल्डर का? उस फोल्डर का नाम रखा था हमने वर्डप्रेस। ठीक है, तो मैंने अपने लोकल होस्ट को चला के रैम को स्टार्ट करके सर्विसेज दोनों उसकी, तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। इसको मैंने जो है वो रन किया तो इसकी जो इंस्टॉलेशन है अब वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके स्टेप्स भी लिख देते हैं। एक्सट्रैक्ट द जिप्ड फोल्डर, मेक श्योर दैट वर्डप्रेस फाइल्स आर इन वर्डप्रेस फोल्डर एंड दैट वर्डप्रेस फोल्डर इज लाइंग इन द HT डॉक्स। ठीक है जी, हमने कहा कि जी वो जो जिप्ड फाइल सारे का सारा किया है, वो सारी की सारी जो फाइल्स हैं वो वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर होनी चाहिए और वो वर्डप्रेस का जो फोल्डर है वो हमारा HT डॉक्स में होना चाहिए। कॉपी
कोई और पुराना वर्डप्रेस तो नहीं है यहाँ पे? मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ जी, इसका मैं नाम चेंज करके मैं रख रहा हूँ बैच 10, ठीक है? या मैं इसका नाम चेंज करके ई रोजगार रख देता हूँ? कोई और फोल्डर तो नहीं ई रोजगार के नाम का? ई रोजगार हमने इसका नाम रखा, लोकल होस्ट पे जाके हमने अब इसको ई रोजगार के साथ जो है वो कॉल किया। ठीक है जी, जब ई रोजगार के साथ मैंने को, आपकी अपनी मर्जी है, आप उसका नाम वर्डप्रेस रख लें, आप उसका नाम ई रोजगार रख लें, आप उसका नाम अपने नाम पे रख लें, आपकी अपनी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप उसको लिख के कॉल करेंगे तो आपके पास उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, और वो सबसे पहले पूछेगा कि आपने किस लैंग्वेज के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो किस लैंग्वेज के अंदर करना है, आपने फारसी में करना है, आपने उर्दू में करना है। ये देखें, उर्दू में भी माशाल्लाह से हमारा जो वर्डप्रेस है वो आ चुका है, लेकिन अभी फिलहाल हम इंग्लिश के अंदर इंस्टॉल करेंगे इसको और कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे स्टेप लिख लें जी, पहले 4, ठीक है, गो टू लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, ठीक है, या जो भी नाम आपने उस फोल्डर का रखा है आपने उसके ऊपर जाना है। फिर उसके बाद 5th पे है जी, सिलेक्ट लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली। 6th पे, 6th पे वो हमसे कुछ चीजें डिमांड कर रहा है। 6th पे वो चीजें डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है वेलकम टू द वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इंफॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस, यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स बिफोर प्रोसीडिंग। वो कहता है ये 4-5 चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ तो है आपकी डेटाबेस का नेम। डेटाबेस, जाहिर बात है हम वर्डप्रेस के अंदर डायनेमिक वेबसाइट्स बना रहे होंगे, तो डायनेमिक वेबसाइट्स के एंड पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि बैकएंड के ऊपर वर्डप्रेस जो डेटाबेस है वो यूज होती है और उसके अंदर जाके डेटा स्टोर होता है। तो हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर जितनी भी इमेजेस, जितना भी टेक्स्ट, जितने भी लिंक्स, जितना भी कॉन्टेंट अपलोड करते हैं वो बैकएंड पे कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। तो वो अब जो डेटाबेस हमने क्रिएट करनी है, अभी तक क्रिएट नहीं की, उस डेटाबेस को क्रिएट भी करना है और हमने इसके साथ लिंक भी करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं जी लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन पे। क्या लिखा, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। अच्छा, ये PHP माई एडमिन क्या है, पहले भी इसको हम लॉगिन कर चुके हैं, इसकी मदद से हम डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हैं और उनकी जितनी भी मैनिपुलेशन है वो कर सकते हैं, MySQL के अंदर जाके क्यूरीज लिख सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, मैं इसके अंदर एक नई फाइल क्रिएट कर, नई डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपल, मैंने यहाँ पे न्यू के ऊपर आके क्लिक करना है और उस डेटाबेस का कोई भी नाम रख देना है। ठीक है, उस डेटाबेस का नाम हम रख देते हैं बैच BACH बैच 10, और उसको क्रिएट कर देते हैं। डेटाबेस क्रिएट हो गई, यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया बिल्कुल। ठीक है, वापस आ जाना वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे और लेट्स गो के ऊपर क्लिक कर देना और ये चीजें उसको प्रोवाइड करनी शुरू कर देंगी। अच्छा, डेटाबेस सबसे पहले वो पूछ रहा है डेटाबेस नेम क्या है, क्या नाम रखा जी हमने, बैज 10 रखा उसका नाम। ठीक है, यूजर नेम, यूजर नेम आपने जो रखना है वो रखना है रूट। यूजर नेम के अंदर क्या लिखा करेंगे, रूट। ठीक है सर जी, डेटाबेस को होस्टिंग भी कह सकते हैं? नहीं जी, होस्टिंग के अंदर डेटाबेस होस्ट हो रही होती है। ठीक है, होस्टिंग एक बिगर थिंग है, उसके अंदर डेटाबेस भी मौजूद होती है, उसके अंदर फाइल मैनेजर भी होता है, सारी की सारी चीजें जो है वो हम होस्टिंग के अंदर जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छा, डेटाबेस नेम, वो जो डेटाबेस का नाम रखा था हमने बैच 10, वो रख दिया। ठीक है, बैच 10 बोल दिया उसको। यूजर नेम उसका रख दिया रूट। पासवर्ड के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे कोई चीज लिखी होगी, जैसे पासवर्ड लिखा है, तो इसको आपने रिमूव करना है, यहाँ से ब्लैंक रहने देना है पासवर्ड को। ठीक है, पासवर्ड के ये अंदर ऐसे ये खाली आना चाहिए, अक्सर लोग जो है वो यहाँ पे पासवर्ड भी लिखा रहने देते हैं, तो वो नहीं लिखा रहने देना, आपने बिल्कुल ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि जो लोकल होस्ट होता है उसका यूजर नेम बाय डिफॉल्ट होता है रूट और पासवर्ड ब्लैंक छोड़ देते हैं बिल्कुल, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते, बाकी किसी चीज को आपने नहीं छेड़ना। लोकल होस्ट ऐसे ही रहने देना, टेबल प्रीफिक्स भी ऐसे रहने देना और सबमिट कर देना।
नहीं जी, सबमिट कर दिया। वो कह रहा है ऑल राइट स्पार्की, यू हैव मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन। वर्डप्रेस कैन नाउ कम्युनिकेट विद योर डेटाबेस। इसका मतलब यह है कि डेटाबेस और वर्डप्रेस के अंदर जो कनेक्शन था वो हो गया है, और रन द इंस्टॉलेशन। यहाँ से मैं इंस्टॉलेशन रन करता हूँ, मेरी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब मैंने अपनी वेबसाइट की सेटिंग करनी है थोड़ी सी, जिसको मैं बाद में भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं साइट का टाइटल रखता हूँ, कोई भी साइट का टाइटल रख लेते हैं हम। साइट का टाइटल लेट सपोज टेस्ट वेबसाइट ही रख लिया, कोई अपनी मर्जी से रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो यूजर नेम और पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखना है, ये यूजर नेम और पासवर्ड वो यूजर नेम और पासवर्ड होगा जब हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉग इन करेंगे तो वहां पे हमने यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम अपनी मर्जी से इसको अपनी आसानी के लिए मैं रख लेता हूँ एडमिन। एडमिन मेरा यूजर नेम और एडमिन ही मेरा पासवर्ड है, लोकल होस्ट के ऊपर है क्योंकि इसको कोई और तो एक्सेस कर नहीं सकता, मैं ही करूंगा। तो एडमिन और एडमिन मैंने इसको रख लिया। कंफर्म द यूज ऑफ वीक पासवर्ड, यहाँ पे मैं अपनी कोई ईमेल दे देता हूँ जी, ईमेल दे दी। यहाँ से इसको अभी ना ही छेड़ें तो कोई मसला नहीं है, इसको आप डिस्करेज कर दें सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। तो हम तो लोकल होस्ट के ऊपर वेबसाइट बना रहे हैं, तो इसका सर्च इंजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये गूगल के अंदर शो होने वाली नहीं है। तो सिंपल क्या किया, साइट का टाइटल लिखा, यूजर नेम लिखा एडमिन, पासवर्ड भी मैंने एडमिन कर दिया, ईमेल अपना दिया और वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल कर रहे हैं जी वर्डप्रेस, वो इंस्टॉल हो रहा है। साइट की कुछ सिर्फ टाइटल दिया है, बाकी कस्टमाइजेशन हम बाद में कर लेंगे। डेटाबेस से रिपीट कर दें, मैं सारा कुछ ही रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी। मैं पूरा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन दोबारा करके दिखा दूंगा, करने वाले बने आप। 100 दफा कहोगे मैं 1000 दफा करके दिखाऊंगा, आपका अपना टाइम है, कोई मसला नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले दिन एक बात क्लियर की थी कि जितना जल्दी आप लोग सीख जाएंगे मुझे उतना ज्यादा मौका मिलेगा आप लोगों को ज्यादा चीजें सिखाने का। तो लॉग इन करते हैं जी यहाँ से, कहते हैं वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड, तो इसको मैं एडमिन एडमिन से ही लॉग इन करूंगा। यूजर नेम जो है वो मैं लिखूंगा एडमिन, ठीक है, और पासवर्ड भी मैंने रखा था एडमिन, ADMIN। लॉग इन किया तो ये मेरा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो गया, और मेरा ये जो डैशबोर्ड है इसकी पहली लुक आप लोगों के सामने है कि वर्डप्रेस की जो डैशबोर्ड की लुक है वो आपको कैसी लगती है। इसमें हम ये चीजें हैं जो अभी मैनेज कर सकते हैं। अभी तो ये बहुत छोटा जो है वो लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम साइट बड़ी करते जाएंगे तो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी हमारा बड़ा होता जाएगा। सर रूट से नेक्स्ट पासवर्ड बता दे, पासवर्ड के अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखना और बिल्कुल उसको ब्लैंक छोड़ देना है। चलें जी, मुझे ये बताएं कि कितने लोगों ने यहां तक प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट कर लिया और उनको समझ आ गई है कि ये काम अब मैं कर सकता हूं या फिर कर सकती हूं, और अब मैं अगर खुद से ट्राई करूंगा या करूंगी तो हो जाएगा। कितने लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया यहां तक, उसके बाद फिर मैं रिपीट करता हूं। अभी हमारे पास आधा घंटा है, मैं चाहूं तो 4 दफा रिपीट कर सकता हूं इसको, कोई मसला नहीं है, टाइम ही टाइम है। आज हमारे पास आज का काम ही ये है कि हमने वर्डप्रेस ही इंस्टॉल करना है, सब लोगों के पास वर्डप्रेस इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, डन सर, चल गया सर, ऑल क्लियर, कंप्लीटेड, डन डन। अच्छा, अब मुझे ये नहीं समझ आती कि ये जिन लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया है इनको मैंने अलग से तो नहीं कुछ बताया ना, आई हैव इंस्टॉल्ड, डेटाबेस कैसे क्रिएट करनी है, डेटाबेस लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन पे जाना है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है और डेटाबेस का नाम दे देना है बस। एरर एस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन, तो बेटा आपका जो डेटाबेस का नाम आपने रखा था वही नाम आपने यहाँ पे देना है, यूजर नेम के अंदर रूट लिखना है, पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है जी, मैं कर लेता हूँ, दोबारा दोबारा कर लेंगे सर। मेरा मेरा वर्डप्रेस सर लोकल होस्ट हाउस से आगे कॉल नहीं हो रहा, मैं दोबारा से एक दफा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को।
एचटी डॉक्स में पेस्ट करने के बाद क्या किया है? मैं दोबारा कर देता हूँ, सारा कुछ देख लेना दोबारा से। अच्छा जी, अब साजिद साहब का सवाल है, वो कह रहे हैं सर ये तो अपने पीसी पे किया लेकिन क्लाइंट ने तो होस्टिंग पे करवाना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? अब आ जाए जरा होस्टिंग पे कर लेते हैं। दुआ करें मुझे कोई साइट मिल जाए जो फ्री हो। रैंक मी टुडे फ्री है? नहीं फ्री। एसईओ ग्रोथ, हाँ मैं कर देता हूँ, रिपीट भी कर देता हूँ। चलें जी पहले रिपीट कर देते हैं, फिर उसके बाद लाइव सर्वर पे कर लेंगे। चलें ठीक है, रिपीट कर लें जी पहले। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी सारी चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया, इसको भी मैंने बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, ठीक है। सब लोगों की आसानी के लिए यही रोजगार का जो फोल्डर था इसको भी मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से, ठीक है। और ये जो हमारा डाउनलोड्स था उसके अंदर जो फोल्डर था उसको भी डिलीट कर दिया ताकि कोई चीज रह ना जाए, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा, ये इंजीनियर अली गौहर साहब हैं, एक दो और लोग हैं जिनको ये मसले आ रहे हैं, तो जो जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ बेटा साथ साथ करने हैं आपने। चाहे तो आप लोग पुरानी चीजें रिपीट जो है वो डिलीट कर दो, चाहे यहीं से सीख लो। एचडी डॉक्स के बाद अनजिप किया, फिर बाहर आकर पेस्ट किया, ओल्ड फोल्डर रिमूव कर दिया। हाँ तो ठीक है, सही है, गुड। मैं दोबारा से जा रहा हूँ wordpress.org पे। गेट वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से डाउनलोड कर लिया wordpress 5.5। ये डाउनलोडिंग मेरी यहाँ पे स्टार्ट हो गई। इसकी डाउनलोडिंग हो जाती है एक दफा तो फिर हम इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप्स करेंगे। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो ज़ैम्प के ऊपर या लोकल होस्ट के ऊपर आप लोगों को वर्डप्रेस में इंस्टॉल करवा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। लोकल होस्ट आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, जब आपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करना है, जब आपने इंटरनेशनल मार्केट में निकलना है, तो फिर आपको लाइव सर्वर के ऊपर ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। और वो भी मैं आप लोगों को अभी से सारी चीजें जो है वो क्लियर करके लेके चलूंगा, ताकि आपको ये भी पता हो कि लाइव सर्वर पे आपने वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है और उसको यूज कैसे करना है। चलें जी, ये वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया, सॉरी डाउनलोड हो गया। इसको मैंने शो इन फोल्डर किया और ये मेरे पास ये फाइल आ गई। इस फाइल को मैंने यहाँ से जो है वो कॉपी किया, ठीक है, और इसको मैं ले गया दिस पीसी में। दिस पीसी के बाद सी, सी के बाद जैम, जैम के बाद एच टी डॉक्स, और यहां पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ये मैंने किया इसको पेस्ट। जैसे ये फाइल यहां पे पेस्ट हो गई तो इसको मैंने राइट क्लिक किया और एक्सट्रैक्ट फाइल्स या एक्सट्रैक्ट हेयर, दोनों में से किसी के ऊपर भी क्लिक करते हैं। अगर मैं एक्सट्रैक्ट हेयर के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखते हैं वो क्या करता है। ये ऑप्शन आपके पास तब आएंगे जब आपके पास एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम विन रॉर है वो इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है। मैंने एक्सट्रैक्ट हेयर के ऊपर क्लिक किया, तो एक्सट्रैक्ट हेयर के ऊपर क्लिक करने से ये उसने एक नई फाइल जो है वो क्रिएट कर दी है, ठीक है। यही फाइल है, कौन सी फाइल है?
और तो नहीं फाइल बना दी कोई। हाँ यही लग रही है मुझे, क्योंकि और तो कोई थी नहीं इस नाम की। तो ये फाइल अब बन चुकी है ऑटोमेटिकली। अगर एक्सट्रैक्ट हेयर के ऊपर करते हैं तो आपको वहां से जो है वो अंदर से फाइल्स को निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और डायरेक्टली आप लोग जो है वो ऐसे इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, टाइम कितना हुआ है अभी हमारे पास? ठीक है, इसका नाम अगर यही रखना है तो नाम यही रख लें, अगर चेंज करना है तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। आप इसको अपने नाम पे रख लें, जैसे अगर हम इसका नाम जो है वो गौहर के नाम पे रखते हैं। ठीक है, इस फोल्डर का नाम हमने गौहर के नाम पे रख दिया, और वापस आए अब लोकल होस्ट पे अपने गूगल क्रोम पे, और यहाँ पे आके मैंने लिखा लोकल होस्ट स्लैश गौहर, बस इतना सा काम लिखा। सर लोकल होस्ट एंड फ्री होस्ट वाली वेबसाइट यूजलेस है इन फ्यूचर? आप इन फ्यूचर की बात कर रही हो, मैं कहता हूँ अभी भी यूजलेस ही है ये। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों को मैं कह लें कि सारी की सारी जो प्रैक्टिस है उसके लिए करवा रहा हूँ। अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन तक हम लाइव सर्वर पे मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, सिंपल मैंने क्या किया, जो भी मैंने उस फोल्डर का नाम रखा था एचडी डॉक्स, उसके अंदर गौहर और उसके अंदर ये सारी फाइल्स थी, वो मैंने यहाँ पे आके लिखा लोकल होस्ट स्लैश गौहर। ठीक है, तो इंग्लिश सिलेक्ट की यहाँ से और कंटिन्यू कर दिया। हाँ जी इंजीनियर गौहर साहब, यहाँ तक पहुँच गए आप? आपके नहीं पहुँचे यहाँ तक चीजें, आपने आपके जो स्टेप्स हैं वो यहाँ तक क्लियर है या नहीं? अब उससे भी ज्यादा आसान कर दिया मैंने। मुझे आपसे कंफर्मेशन चाहिए, फिर मैं अगले स्टेप पे चलूंगा। इंजीनियर अली गौहर साहब, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोग आप पहुँच गए या नहीं। चलें जी, शुक्र है, गुड। अच्छा जी लेट्स गो। और वो कहता है ये चीज़ें क्लियर करके लेके आओ। ठीक है, तो अब वो मेरे से डेटाबेस का नेम मांग रहा है। अभी तो मैंने डेटाबेस क्रिएट ही नहीं की। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं जाऊँगा लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन पे। हाँ जी हादी साहब, आपका क्या एरर आ रहा है? सर आवाज़ बहुत कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। अपने इंटरनेट को फिक्स करो, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आप लोगों के इंटरनेट मैं नहीं फिक्स करवा सकता घर घर जाके। यहाँ पे मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं PHP माई एडमिन के ऊपर आता हूँ, न्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने डेटाबेस का कोई भी नाम रख दिया, जैसे गौहर ही उसका मैंने नाम रख दिया डेटाबेस का। ठीक है, और क्रिएट किया उसको। क्रिएट करने के फौरन बाद में वापस आ गया, डेटाबेस नेम के अंदर मैंने लिखा गौहर GOHAR। ठीक है, यूजर नेम के अंदर मैं लिखूंगा रूट। ठीक है, यूजर नेम मैंने रूट लिख दिया। रूट लिखने के बाद पासवर्ड के अंदर जो भी चीज लिखी है उसको मैंने खत्म कर देना है। ठीक है, इनको खत्म किया और सबमिट कर दिया, और किसी चीज को नहीं छेड़ना। यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना है गौहर, यहाँ पे यूजर नेम देना है रूट, और यहाँ पासवर्ड देना है, और यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। रन द इंस्टॉलेशन। साइट टाइटल देंगे जी, कोई भी साइट टाइटल दे दें आप अपनी मर्जी से, जो भी आप अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं वो नाम रखें। यूजर नेम और पासवर्ड ये याद रखना है आपने, क्योंकि लोकल होस्ट के ऊपर देन आप यूजर नेम और पासवर्ड चेंज भी नहीं कर सकते, तो कोशिश करें कि ये चीज़ भूले नहीं आप। तो यहाँ पे मैं अपना जो है वो ईमेल दे देता हूँ। इतना सा काम करना है, नाम दिया साइट का, यूजर नेम लिखा एडमिन, पासवर्ड लिखा, जो भी यूजर नेम और पासवर्ड लिखना है उसको याद रखना है फिर बाद में। ठीक है, भूल नहीं जाना। इंस्टॉल वर्डप्रेस।
और ये वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो गई है। लॉगिन करते हैं और एडमिन लिखा यूजर नेम के अंदर और एडमिन ही पासवर्ड के अंदर लिखा और लॉगिन कर दिया। सर हम अपना ईमेल देंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल अपना ईमेल देंगे। ये लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट आपको ईमेल सेंड नहीं कर सकता, ठीक है? तो डोंट वरी। नहीं जी, वर्डप्रेस दोबारा से इंस्टॉल कर लिया हमने आज की क्लास में। अगर कहते हैं तो मैं तीसरी दफा भी इंस्टॉल कर देता हूँ। अब कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि सर एक दफा और रिपीट कर दें? किस किस को समझ नहीं आई वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की? इससे ज्यादा आसान मैं नहीं कर सकता आप लोगों के लिए। नहीं नहीं कहते हैं तो मैं कर देता हूँ रिपीट। मुझे 6 दफा भी कहेंगे तो मैं 6 दफा भी करूंगा। रोजाना आके वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया करेंगे ना? रोजाना आएंगे, वर्डप्रेस को 3 4 दफा इंस्टॉल किया और बंद करके चले गए। आए लाइव, आप मैसेज करें मुझे फेसबुक के ऊपर, मैसेंजर पे या फेसबुक पे मैसेज करें, मैं आपको लिंक भेजता हूं। चलें जी, लिंक मिल गया आपको। हाँ जी जी लाइव, अब मैं वेट कर रहा हूँ आपका। आगे जी, डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड हादी, नीड टू कनेक्ट योर माइक और कैम। अपना माइक और कैम कनेक्ट करो। आ लेने दो जरा, देख तो लें उसका प्रॉब्लम क्या है। जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। हमारे पास टाइम ही टाइम है, 2 महीने, मतलब पूरे 2 महीने पीछे रह गए और टाइम ही टाइम है। जाया करने के लिए ही है टाइम, जाया करते हैं। कल भी आके इंशाल्लाह यही करेंगे।
वर्डप्रेस ही इंस्टॉल होगा। अब ये देखें जी, सर मैं कंप्यूटर पर हूँ, मेरे पास माइक और कैम नहीं है। बेटा कंप्यूटर के अंदर माइक भी होता है और कैम भी होता है, अब मैं कैसे लाइव लूँ तुम्हें बताओ? लाइव आने का ही शौक था बस। गुड नाइट। अपनी चीजें पूरी करो फिर आना लाइव मेरे साथ, फिर देखते हैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता आपका। हाँ 2 मंथ हमने रोजाना वर्डप्रेस ही इंस्टॉल करना है, इसमें माइक और कैम नहीं है। तो बेटा लाइव कैसे आओगे फिर? कैम के बगैर लाइव आ सकते हो तुम? उसमें स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है आपकी। इब्ने आदम कह रहे हैं वेब होस्ट फ्री सर्विस दे रहा है। मैं बेटा ये कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों को कि आप ये फ्री वाला होस्ट जो है वो इंस्टॉल करें और उसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट्स बनाएं। प्रैक्टिस करनी है तो ज़ैम्प है, काम करना है तो लाइव सर्वर खरीद लें, वो ज्यादा महंगा नहीं है, 2-3 हज़ार का, 4 हज़ार 5 हज़ार का आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए मैंने आप लोगों को रिकमेंड कर दिया था कि hostingyou.com एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाएंगे आप और उसके ऊपर आप लोगों ने जाके सिंपल उसके उसके साथ कांटेक्ट करना है। ये व्हाट्सएप का बटन लगा हुआ है, ये आपके पास उसका नंबर है, उसके उससे जाके आप सिंपली कहेंगे जो भी आपको पैकेज यहाँ पे चाहिए। अगर आप आपका इरादा है, सारी बात है, हमने इस कोर्स के अंदर डिस्कस तो करना है कि ई कॉमर्स वेबसाइट क्या, डिस्कस क्या क्या डिटेल के अंदर पढ़ना है कि ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है, अमेजोन एफिलिएट बिजनेस क्या होता है। तो अगर बिजनेस की तरफ जाना है तो आप उससे कोई भी जो पैकेज आपको सूट करता है कि जिसके अंदर ज्यादा डेटाबेसिस हो, ये देखें इसमें 2 डेटाबेसिस हैं, इसमें 2 वेबसाइट्स बन सकती हैं, इसमें अनलिमिटेड डेटाबेसिस बन सकती हैं। तो इसे जाके कहेंगे यार मुझे ये फलां पैकेज चाहिए तो मुझे ये दे दो, तो उसे खरीद सकते हैं। अब आ जाए जरा वर्डप्रेस के ऊपर के हम लाइव सर्वर के ऊपर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सर मेरा वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो गया। लें जी, इंजीनियर अली गौर साहब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अगर आपका हो गया तो इसका मतलब अब मैं सेटिस्फाइड हूं, अब सबका हो गया। अगर इंजीनियर साहब का हो गया तो सबका हो गया। कल आप वर्डप्रेस दोबारा इंस्टॉल मत करवाएं, जो आज एब्सेंट हैं उनको अटेंडेंस का मौका दें और उनको वीडियो दोबारा दिखा दी जाए। किसका आंसर मांग रहे हो भाई बाबर? अली गौर का भी मसले सॉल्व नहीं होते, इसको भी लाइफ पे ले लगा। सर एक होस्ट पर कितनी वेबसाइट्स बन सकती हैं? मैंने ये बताया ना आपको कि ये डिपेंड करता है कि आप अगर एक ही होस्टिंग अच्छी वाली ले लेते हो ना, बड़ा पैकेज ले लेते हो, फिर इसके अंदर आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स बना सकते हो। मतलब फिर आपको सिर्फ डोमेन लेनी है और इसी एक होस्टिंग के अंदर आप देन उसको अटैच कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं जरा लाइव सर्वर के ऊपर, हमने कैसे जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। लाइव सर्वर के ऊपर जब लोग या क्लाइंट आपके पास आएंगे तो वो आपसे कहेंगे कि भाई साहब मुझे मेरी जो वेबसाइट है उसका जो डोमेन नेम है वो है ये फला, कोई भी नेम है। ठीक है, उसके साथ साथ वो आपको एक सी पैनल देंगे, तो उस सी पैनल को आपने लॉगिन कैसे करना है, ये डोमेन का नेम लिखेंगे ब्राउजर में और स्लैश डाल के सी पैनल लिखेंगे। सी पैनल लिख दिया, इसको आप जरा गौर से देखना है। ठीक है, अच्छा वो साथ ही उसका यूजर नेम और पासवर्ड भी क्लाइंट आपको देगा, उस यूजर नेम और पासवर्ड को लिख के हम लॉग इन करेंगे तो इस तरह का एक फाइल मैनेजर, एक सी पैनल, कंट्रोल पैनल हमारे पास खुल जाएगा, जिसके अंदर कुछ फाइल मैनेजर टाइप कुछ होगा। ठीक है, फाइल मैनेजर में चलते हैं जरा, तो इसके अंदर ये सारी की सारी फाइल्स पड़ी हुई होंगी, जैसे HT डॉक्स, वहां पे हमारी मेन कैटेगरी होती है ना, मेन जो डायरेक्टरी होती है वो होती है। यहाँ पे हमारे पास पब्लिक HTML का जो फोल्डर है ये फोल्डर मेन डायरेक्टरी कहलाती है। ठीक है, मैं इसके अंदर अभी फिलहाल जितनी भी फाइल्स पड़ी है मैं उनको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये वेबसाइट नहीं चाहिए, इसके ऊपर मैं दोबारा से काम करना चाहता हूँ, कोई और वर्ड नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं आप, तो मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है जी, डिलीट हो गई। फिर उसके बाद डेटाबेसिस हम यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये डेटाबेसिस का ऑप्शन है, ये MySQL डेटाबेसिस हैं जितनी भी। अगर PHP मैडमिन के ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ना तो
तो वो मुझे क्या करेगा कि पीएचपी माय एडमिन के ऊपर ऑटोमेटिकली ले जाएगा। अच्छा जी, ये कुछ डेटाबेसेस ऑलरेडी बनी हुई हैं, मैं मुझे इनकी भी ज़रूरत नहीं है, मैं इनको भी यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट कर दीजिए। हाँ जी, सबका सी पैनल ऐसा ही होता है, सब सर्वर्स का ऐसा ही होता है, जो क्लाइंट आपको देंगे वो ऐसे ही होगा बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये जब जैसे ही आपने सी पैनल को लॉगिन किया तो इस किस्म का एक डैशबोर्ड आपके पास खुल जाएगा। अब हमने इसके ऊपर जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो हमने सबसे नीचे चले जाना, सबसे नीचे चले गए हमारे पास यहाँ पे आएगा सॉफ्ट क्लॉस ऐप इंस्टॉलर। इसके ऊपर यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, आपने जूमला इंस्टॉल करना है, आपने शॉपिफाई या फिर आपने WHMCS इंस्टॉल करना है। हमने तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पे सबसे नीचे आया हूँ। देखें जरा, जैसे ये वाला पेज खुला था तो सबसे नीचे आया सॉफ्ट क्लोज ऐप इंस्टॉलर के अंदर, और वर्डप्रेस के ऊपर मैंने इंस्टॉल जो है वो क्लिक कर दिया। जैसे ही वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो मैं यहाँ से इंस्टॉल नाउ का बटन दबाता हूँ और एक फॉर्म ये मुझे दे देता है, और उस फॉर्म के ऊपर क्लिक करके उस फॉर्म को फिल करके मैं जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो चूज इंस्टॉलेशन यूआरएल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपके पास अगर मल्टीपल डोमेन्स हैं तो वो ज्यादा यहाँ पे मल्टीपल डोमेन्स यहाँ पे इस सी पैनल के अंदर या इस होस्टिंग के अंदर आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक ऑप्शन होता है, अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि यहाँ से इस WP को रिमूव नहीं करते। तो जब रिमूव नहीं करोगे तो वो SEO ग्रोथ डॉट टूल्स के ऊपर नहीं बल्कि SEO ग्रोथ डॉट टूल्स स्लैश WP इसके अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो हमने ऐसा नहीं करना, हमने जो है वो सिंपल SEO ग्रोथ डॉट टूल्स के ऊपर या जो हमारी मेन डोमेन है उसके ऊपर हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, अगर क्लाइंट ने इसके ऊपर करने को कहा है तो, ठीक है। और अगर क्लाइंट कह रहा है कि WP में करो, डायरेक्टरी के अंदर करो, तो फिर हम उसकी डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे, वरना हम उसकी मेन डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। साइट का नेम माई ब्लॉग, साइट डिस्क्रिप्शन माई वर्डप्रेस ब्लॉग, ये आप अपनी मर्जी से इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दें। एडमिन यूजर नेम एडमिन रख दिया, ठीक है। पासवर्ड यहाँ पे अब मैं कुछ अच्छा सा पासवर्ड रख लेता हूँ ताकि बाकी लोग जो हैं उसको विजिट ना कर सकें, क्योंकि ये तो अब लाइव सर्वर होगा ना और लाइव वेबसाइट होगी, तो यहाँ से मैंने उसको यूजर नेम और पासवर्ड दिया, जिस यूजर नेम और पासवर्ड से मैं इसके वर्डप्रेस के एडमिन पैनल को लॉगिन किया करूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सबसे नीचे आ जाए यहाँ पे से कुछ प्लगइन्स, वो आपको कह रहा है अगर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के साथ साथ कुछ और प्लगइन्स भी इंस्टॉल करने हैं, तो ये क्लासिक एडिटर को मैं फिलहाल, क्योंकि हम भी कुछ पुराने लोग हैं तो क्लासिक एडिटर हमें अच्छा लगता है कि उस एडिटर के अंदर हम वर्डप्रेस को एडिट करें और वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन करें, तो यहाँ तक काम करके इधर अपनी ईमेल लिख देंगे और यहाँ से इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देंगे, और सारे का सारा काम इसने अब खुद ही करना है, खुद ही डेटाबेस बनानी है, खुद ही डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है, हमने कुछ नहीं करना, हमने सिंपल फाइल मैनेजर के अंदर आना है और वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, और ये हमारी वेबसाइट जो है वो उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है SEO ग्रोथ डॉट टूल्स। ये हमारा लाइव सर्वर का वर्डप्रेस है, और लोकल सर्वर का जो वर्डप्रेस था लोकल होस्ट स्लैश गौहर, ठीक है। तो ये हमारा लोकल होस्ट का वर्डप्रेस था जो हमने उसके ऊपर इंस्टॉल किया। देखें दोनों की जो लुक एंड फील है वो सेम है, ठीक है। अभी हेलो वर्ल्ड यहाँ पे पिंक कलर का बैकग्राउंड लगा हुआ है और सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब हमने इसके जो हमारा एडमिन पैनल है उसको कैसे लॉगिन करना है, तो हमेशा याद रखें जो भी हमारी डोमेन है डोमेन के फौरन बाद स्लैश डालेंगे और लिखेंगे WP, जिसको हम वर्डप्रेस बोलते हैं, वर्डप्रेस WP माइनस या डैश इसको बोलते हैं, WP माइनस एडमिन लिखेंगे तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा उसके लॉगिन पैनल पे, ठीक है। लॉगिन पैनल पे चलते हैं जरा, तो ये लॉगिन पैनल उसने मेरे से मांग लिया कि जी बताओ इसका लॉगिन पैनल क्या, तो लॉगिन पैनल के अंदर मैंने जो भी इसका यूजर नेम रखा था, यूजर नेम रखा था एडमिन और पासवर्ड रखा था मैंने ये, ठीक है। तो वो लिखा और इसको मैंने लॉगिन कर लिया। तो ले जी, हमारा इसका डैशबोर्ड भी अब ओपन हो चुका है, सेम वैसा ही है जैसा हमारा लोकल होस्ट का डैशबोर्ड है, ठीक है। इसको भी हम WP एडमिन पे, इसको हम ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं लॉगिन, तो
तो ये डैशबोर्ड पे हमें ले जाएगा। यहां तक किसी को कोई मसला? सर लाइव पे पहले डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है? हाँ जी बिल्कुल जरूरत नहीं है। लाइव सर्वर जो है, मैंने आप लोगों को बताया, सॉफ्ट क्लॉस ऐप इंस्टॉलर जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी डेटाबेस भी क्रिएट कर देगा और उस डेटाबेस के साथ आपका कनेक्शन भी कर देगा। आपने सिंपल फाइल मैनेजर के ऊपर जाना है, ये जो फाइल मैनेजर है इसके लास्ट पे वर्डप्रेस, वर्डप्रेस के बाद इंस्टॉल नाउ, वो आपको एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म को फिल करना है और वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। बस इंस्टॉल नाउ, और ये फॉर्म फिल किया, यहां से WP को रिमूव कर दिया, मेन फाइल थी इसके ऊपर एडमिन लिखा, पासवर्ड लिखा अपना, कोई प्लगइन इंस्टॉल करना है तो प्लगइन इंस्टॉल कर दिया और यहां से इसको इंस्टॉल कर दिया। यहां तक किसी को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? सी पैनल का क्या रोल है? सी पैनल होस्ट कर रहा है ना सारी चीजों को। आपकी वो जो फाइल्स आपको वहां पे नजर आ रही थी ना HD डॉक्स के अंदर, अब वो फाइल आपको यहाँ पे नजर आएंगी। फाइल मैनेजर के अंदर जाता हूँ मैं और यहाँ पे हमारे पास पब्लिक HTML, पब्लिक अंडरस्कोर HTML का जो फोल्डर है ये वाला, ये आप समझ लें कि दूसरा HD डॉक्स है। तो इसके अंदर वही फाइल्स आप लोगों को नजर आएंगी पड़ी हुई जो आपको यहाँ पे इधर नजर आती है। देखिए जरा गौर के फोल्डर के अंदर HD डॉक्स में नजर आती थी ना, HTXS, WP एक्टिवेट, ब्लॉग हेडर, कमेंट्स, कॉन्फ़िग, ठीक है, WP सेटिंग्स, तो ये आपको अब यहाँ पे नजर आएंगे, WP सेटिंग्स, ठीक है, WP कमेंट्स, WP एक्टिवेट डॉट HTXS। सर ईमेल अपनी देनी है ये क्लाइंट की? अगर क्लाइंट के लिए इंस्टॉल कर रहे हो तो बेटा क्लाइंट की, अगर अपनी अपने लिए इंस्टॉल कर रहे हो तो अपनी दे दो। अच्छा अब आगे चलो, जरा एक और चीज जो डिस्कस करनी है वो ये है, fiverr.com पे जाता हूं मैं और मैं यहां पे लिखता हूं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। ये भाई साहब लेवल 2 के सेलर हो गए हैं। आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम, ठीक है, आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस, साथ वो थीम भी इंस्टॉल करके दे रहा है, ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन एक टैग है इसका, दूसरा टैग है इंस्टॉल वर्डप्रेस। सी पैनल की $15 पर मंथ फीस है मिनिमम। बेटा मैंने आपको जो होस्टिंग रिकमेंड कर दी है ना, ये होस्टिंग योर डॉट कॉम, इसको आपने जो है वो पर ईयर के हिसाब से पैसे देने हैं, जो भी उसकी पैकेज के प्राइस है, इसीलिए सस्ती है ना। मैं आप लोगों को जो चीजें रिकमेंड कर रहा हूँ वो किसी वजह से ही रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये ₹250 में आपको एक डोमेन भी फ्री मिल रही है। एक इस टाइम जो डोमेन आमतौर पे अगर आप मार्केट से लेते हैं, नेमचीप से लेते हैं, तो वो $12-13 की डोमेन पड़ती है। तो $12 कितने होते हैं, 12 USD रुपी के आर, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, ₹2019 की सिर्फ डोमेन है जो ये इस पैकेज के अंदर आप लोगों को फ्री दे रहा है। फिर उसके बाद सी पैनल भी आपको फ्री दे रहा है जिसकी आपने कीमत यहाँ पे $15 दी है, ठीक है। $15 का सी पैनल भी मिलना है, $12 की आपको जो है वो डोमेन भी मिलनी है और होस्टिंग की जो उसकी प्राइस है वो तो है ही है, ठीक है। तो ₹3,000 में आपको और क्या चाहिए? मैंने आप लोगों को ये एक तो पाकिस्तानी है और दूसरा ये है कि इसको पे करना आसान है और तीसरा ये है कि थोड़ा सस्ता भी है और इसकी स्पीड भी अच्छी है। मेरी अपनी वेबसाइट्स जो है वो इसी के ऊपर चल रही है, मैं इसलिए आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि लोकल होस्ट के ऊपर जब आप लोग हैवी वेबसाइट्स बनाने जाएंगे ना, जब आप ई कॉमर्स की बात करेंगे, जब आप बड़े बड़े, मैंने जो आप लोगों को थीम्स प्रीमियम देने हैं या प्लगइन्स प्रीमियम देने हैं, वो फिर यहाँ पे नहीं चलेंगे, ये जो आपकी है अपनी लोकल होस्ट है इसके ऊपर नहीं चलेंगे, ठीक है। सर एक साल बाद फिर रीन्यू करवानी पड़ती है ना, पहले से बनाई हुई वेबसाइट बंद हो जाएगी क्या? हाँ जी वो डेटा आपका सेव रहता है, आपने बस जो है वो रीन्यू करवाना होता है उसको, बस उसकी फीस होती है वही जो आपने एट द टाइम ऑफ ऑर्डर पहले साल की जो फीस होती है वही आपने नेक्स्ट ईयर देनी होती है।
सर जी मेरे ज़ैम्प की मॉड्यूल सर्विसेज पे क्रॉस का साइन आ रहा है, क्या आप गाइड करेंगे? एक फॉर्म है यार, जितने भी ज़ैम्प के रिलेटेड मसले आ रहे हैं, SNE साहब हमारे हैं, उनका एक फॉर्म है, वो फिल कर दिया करें और जो है उसको उसको लेके चलें, उसको प्रॉब्लम बताएं अपनी, वो कर देगा। क्या मैं कोई डोमेन एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे शिफ्ट कर सकता हूँ? हाँ जी इंशाल्लाह, मैं सिखा दूंगा आप लोगों को वो भी कि हम किस तरह माइग्रेशन कर सकते हैं, एक साइट को दूसरी साइट पे हम किस तरह माइग्रेट कर सकते हैं। जो मेन चीज थी वो मैं ये कह रहा था कि अब आप लोग जाएं वर्डप्रेस के ऊपर लिखें, वर्डप्रेस इंस्टॉल फाइबर के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल लिखें, और वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस लिखें और देखें कि लोगों ने कितने कितने पैसे कमाए हैं। थीम इंस्टॉलेशन भी इन्होंने साथ दी है, मैं थीम इंस्टॉलेशन भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। आ जाए जरा, थीम इंस्टॉलेशन कितनी महंगी है, ये कितना आप लोग उसको समझ रहे हैं कि शायद ये बहुत बड़ा हवा है। तो अभी मैं अगर आप लोगों को इस वेबसाइट के लोग दिखाऊं तो वर्डप्रेस वेबसाइट हमारी जो है वो ऐसी लग रही है, ठीक है? थीम मैंने आपको बताया था हमारी वेबसाइट की लुक होती है, तो मैं डैशबोर्ड के अंदर अपियरेंस के अंदर थीम्स में जाता हूं। अनलिमिटेड वाली सही है फिर, अनलिमिटेड बनाने के लिए? हाँ जी, अगर तो आपका इरादा है बेटा इस फील्ड के अंदर काम करने का और लगन से काम करना है और अच्छा काम करना है और ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनानी है, अपना कोई ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करना है, कोई अपने आप को सपोर्ट करना है, तो फिर तो आप बड़ा वाला पैकेज ले लो, अनलिमिटेड वाला, तो वो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है तो वो तो फिर रैंप भी आपका चल रहा है, वो उसी के ऊपर आप चला सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मैं 2017 को एक्टिवेट कर रहा हूँ, ये सारे थीम्स हैं। मैंने थीम पहले जो था वो 2020 मेरे पास इंस्टॉल्ड था, अब मैंने थीम चेंज करके 2017 को इंस्टॉल कर दिया। 2017 को जब इंस्टॉल किया तो मैं वेबसाइट के ऊपर आके इसको जरा रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए जरा आप, मेरी वेबसाइट की जो लुक है वो बिल्कुल चेंज हो गई, टेस्ट वेबसाइट। अब ये पिक्चर ऑटोमेटिकली लग गई है, मैं चाहूँ तो जाके इस पिक्चर को चेंज कर सकता हूँ और नीचे वाला लेआउट भी उसका जो है वो सारे का सारा चेंज हो गया। ये एक छोटी सी मैंने वर्डप्रेस की झलक दिखाई है आप लोगों को कि यही काम अगर आपको HTML और CSS के अंदर करना पड़ता तो आप कितने तंग होते और कहाँ जाके आप पिक्चर लगाते हैं, इमेज का टैग लगाने के लिए, फिर उसकी सेटिंग करते हैं, फिर मतलब ये है कि यहाँ पे आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, बने बनाए थीम्स मिल जाएंगे, आपने सिंपल उनको उस थीम को इंस्टॉल करना है। तो इतना मुश्किल काम है ये थीम इंस्टॉल करना, ठीक है? इसी तरह प्लगइन्स हैं, इस डैशबोर्ड को हम वन बाय वन कल से स्टार्ट करेंगे, इसके एक एक फीचर को अलग अलग पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस कहाँ कहाँ से हम जो है इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे के सारे थीम्स हैं जो वर्डप्रेस के हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है? बेतहाशा थीम्स आप लोगों को मिल जाएंगे। आपने कोई स्कूल मैनेजमेंट की वेबसाइट बनानी है, आप यहाँ पे लिखते हैं स्कूल, ठीक है? तो स्कूल के रिलेटेड जितने वेबसाइट जितने आपको थीम्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है? ये देखें जी, लॉरम इप्सम, VW ड्राइविंग स्कूल, क्रिएटिव प्री स्कूल, तो इस तरह के ये जो स्कूल्स के थीम हैं वो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे। आप इनको इंस्टॉल करेंगे और जो है वो सारी की सारी चीजें चल जाएंगी, ठीक है? सर जी थीम्स लाजमी शेयर कीजिएगा। हाँ जी इंशाल्लाह, आप लोग काम करते रहें, काम करते रहेंगे तो मैं अपनी चीजें साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा, जो देना आप अपने क्लाइंट्स को। अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से थीम्स लेते हैं फ्री में और आगे अपने क्लाइंट्स को बेचना शुरू कर देते हैं। फ्लैटसम का थीम है $59 का, एक बंदा है उसने गिग लगाई हुई है फाइवर के ऊपर कि आई विल इंस्टॉल फ्लैटसम थीम ऑन योर होस्ट इन $30, ठीक है? $59 का वो एक्चुअल थीम है, तो वो लोग फाइवर पे आते हैं उनको यहाँ पे $30 में मिल जाता है, तो वो साथ में इंस्टॉलेशन भी करके देता है उसकी, तो वो $30 उसको तो फ्री में मिला हुआ है ना, तो उसने बस आगे लोगों को इंस्टॉल करके देते जाना है। तो यहाँ पे दुनिया बहुत बड़ी है, थोड़ा सा अगर काम करोगे मेहनत करोगे तो चीजें और ज्यादा आसान होती जाएंगी। आई थिंक सो कि आज की सारी चीजें क्लियर है, कल को इंशाल्लाह वर्डप्रेस को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।